आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर 5 साल के कार्यकाल में सरकार द्वारा किए गए कार्य को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को विधानसभा चुनाव में वोट करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए जनता के बीच में जाकर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, नए वोटरों का पंजीकरण करा रहे हैं और सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्यों को भाजपा में जोड़ने का काम कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। वहीं बूथ इंचार्ज ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को अब तक सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दे रहे हैं और आगामी समय में सरकार जो जनता के बीच और जनता के लिए जन कल्याणकारी योजना ला रही है उनकी जानकारी भी दी जा रही है। हमारे संगठन की ये शक्ति केंद्रों पर लगातार बैठकें चल रही हैं, संगठनात्मक बैठकें हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ अध्यक्षों के, बूथ महामंत्री, बूथ प्रभारी और क्षेत्र के कुछ गणमान्य नागरिक जो हैं उन लोगों के साथ ये बैठकों का आयोजन किया जा रहा है सारे शक्ति केंद्रों पर। क्या क्या नीति बताई जा रही हैं, किस रणनीति का आधार पर कार्य? इसमें नीति नहीं, जो हमने काम किए हैं अब तक वो काम की रूपरेखा हम कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि उन लोगों ने अब तक क्या क्या काम किए हैं। वर्तमान में हमारे 2 अभियान चल रहे हैं, नव मतदाता पंजीकरण अभियान और सदस्यता अभियान चल रहा है, तो उनकी ही रूपरेखा किस तरह से इन लोगों ने उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं, कितने कितने सदस्य हमारे बन चुके हैं। बहुत अच्छी प्रगति चल रही है सदस्यता अभियान को लेकर, नव मतदाता पंजीकरण में भी बहुत अच्छी प्रगति चल रही है। उसी क्रम में यहाँ पर चंद्रनगर के रेलवे हरतला कॉलोनी शक्ति केंद्र पर ये बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है।